तो रियल क्रिकेट 22 गेम प्ले सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सबके तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जब भी हम रियल क्रिकेट 22 के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो भर भर के हमें व्यूज मिलता है। अगर व्यूज मिलता है पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, पैसा ही पैसा होगा। और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आज आ चुका है, वो भी दो। अगर आप सभी ने उन सब वीडियोस को अभी तक भी नहीं देखा है, जरूर से जाके देख लेना, क्योंकि रियल क्रिकेट 22 के ऊपर जितनी भी सारा आपका डाउट है उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और आज हम 10 ओवर का ही मैच खेलने वाले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो जर्सी चेंज कर लेते हैं और ऑब्वियसली टाइटल पढ़ के तो आपको पता चल चुका है, आकाश चोपड़ा जी को हम यूज करेंगे कॉमेंट्री में, वो भी इंग्लिश वाले में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इजी रखते हैं, डिफिकल्टीज ओवर 10 रहने देते हैं। हार्ड पिच, रेन का चांस 100% रखो, क्योंकि छोटा मैच करना है, वीडियो को भी लंबा नहीं करना है, सिर्फ आपको एंटरटेन करने आए हैं। रात का मैच खेलेंगे क्योंकि आकाश चोपड़ा जी रात में ज्यादा अच्छा कमेंट्री कर पाते हैं। कोई सेंसेस बात की? कैचिंग, फील्डिंग, ऑटो, कमेंटेटर इंग्लिश में चलते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। आप एक टाइम में दो कमेंटेटर सिलेक्ट कर सकते हैं और आकाश चोपड़ा को अभी फिलहाल यानी इंग्लिश वाले को एक ही बार यूज कर पाएंगे, यानी ये जो मैच है इसके बाद दोबारा आकाश चोपड़ा को हम यूज नहीं कर सकते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये कमेंट्री पैक कहां से हमें मिला है और एक ही बार क्यों यूज कर पा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको उन दोनों वीडियोस में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उन सब वीडियोस को देख सकते हो। तो चलो जल्दी से हम मैच को स्टार्ट करते हैं। स्क्वाड सेम रहने देते हैं, कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। The sun is gone and the lights are on. Welcome everybody as we are all set to witness some high class cricket action. थैंक यू वेरी मच आकाशवाणी जी, मजा तो आएगा। बैट्समैन वुड बी वेरी ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस। अरे यार, हम तो सिलेक्ट नहीं किए थे संजय मांजरेकर जी को, फिर भी उनका कमेंट्री आ रहा है। ये शायद बक्स है, मुझे चाहिए था सिर्फ आकाशवाणी का कमेंट्री। टेल्स चूज करते हैं, बॉलिंग तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही ओवर डालेंगे। Opponent has win the toss and decided to bat first. This is the playing 11 for today's match. Both teams are looking balanced and we can expect a cracker of a match today. Ladies and gents, please stand up for the national anthems. सबसे पहले ओवर डालने आएंगे जसप्रीत बुमराह जी। बॉल इन हैंड आर वॉकिंग टू। हां, घूसा मारो एक दूसरे को, मुंह में मारते। कुछ भी। The fielding side is looking pumped up and are all set to go. Looking fully pumped up. There comes the opening pair. Pacer has been brought into the attack. अगर सब बॉलर का यानी सब प्लेयरों का नाम लेते कमेंटेटर तो और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई नहीं, जितना है उसी से खुश रहना है हमें। The new ball in his hand to start off the innings. बुमराह जी एक दो विकेट ले लेना इस पहले ओवर में। Time that one as well as he would have wanted. Poor timing this. हाँ. Overthrow. ओवरथ्रो कर दो। शुड लुक टू कंट्रोल देम। हैंड्रिक एक्स, यॉर्कर डालते हैं। ऑब्वियसली बुमराह जी यॉर्कर स्पेशलिस्ट है। ही इज प्लेस्ड अच्छा शॉट प्रीटी वेल। बैटर्स शुड बी दो रन मिल जाएगा, तीन रन मिलेगा। दो गेंदों के बाद चार रन हो चुका है। बुमराह जी थोड़ा गुस्से में हैं। फिर से यॉर्कर रिवर्सिंग वाला, नो बॉल हो जाता है। यार अभी थोड़ा देख के क्लिक करना होगा। अच्छा गेंद, क्या लगता है इस मैच को जीत पाएंगे हम? नहीं। लास्ट गेंद, इसके बाद ऑटो प्ले कैच और बढ़िया कैच। यार फोर्स द एरर ऑन टू द बैटर। जोश दिखाओ आकाश चोपड़ा जी, इतना अच्छा कैच था, कुछ तो जोश में होना चाहिए। रिप्ले देख लेते हैं। प्लीज टू सी द बैक ऑफ दिस बैटर। रिप्ले नहीं देख पाए, पहला ओवर काफी ठीक ठाक। पेसर हैज बीन भुवनेश्वर कुमार को सेकंड ओवर डलवाते हैं और ऑटो प्ले भी कर लेते हैं। A few moments later. तो इनिंग्स खत्म, 54, चार विकेट के नुकसान पे, तो बहुत ही इजी वीजी सा काम है। Opening stand will be crucial. Will be interesting to see their approach here.
फिर से हाथ में घुसा मार रहे हो, मुंह में मारने को बोले ना एक दूसरे के। रबाड़ा जी, चलो स्टार्टिंग से ही हम लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे क्योंकि इजी डिफिकल्टी है और थोड़ा बहुत हम शॉट खेलने भी लग गए। गजब बेइज्जती है, थोड़ा प्रेशर में है क्योंकि आकाश चोपड़ा जी कमेंट्री कर रहे हैं। अरे इतना ऊपर नहीं था गेंद। चलो इसे उड़ाते हैं, बहुत ही अच्छा शॉट, टाइमिंग भी ठीक ठाक और छक्का। अगर हिंदी कमेंट्री होता ना, यानी मिलता ना हमें आकाश चोपड़ा जी का, तो मजा आता ज्यादा। 6 से भी कम रिक्वायर्ड रेट चाहिए, लेकिन फिर भी जल्दी मैच खत्म करना है यार। इसे हम उड़ाएंगे, अच्छा टाइमिंग, गेंद भी बैट में अच्छे तरह से लगा और इसके वजह से रिजल्ट मिला 6 रन। तो पहले ओवर के बाद 12 पे रन। दूसरे ओवर का शुरुआत, नो किया, रोहित शर्मा जी ऑन स्ट्राइक, सिर्फ लॉफ्टेड शॉट ही खेलो, कोई जरूरत नहीं। चलो अच्छा शॉट, 4 रन, नहीं 2 रन, अच्छा थ्रो भी। एक चीज तो अच्छा है, विकेट नहीं गिरा है अभी तक। चलो इसे बाहर भेजो, वेल प्लेड फॉर अ सिंगल, भेज नहीं पाए, सिंगल ही होगा। आखिरी गेंद इस ओवर का, दैट वाज अ गुड थ्रो, छक्का मार राहुल जी, 2 छक्का तो ऑलरेडी लगा चुका है जी। हाँ छक्का तो नहीं, चौका मिल जाएगा। ब्यूटीफुली टाइम्ड एंड ईज्ड इट थ्रू द गैप फॉर अ 4। दो ओवर के बाद 19, अब आए हैं रवाड़ा जी, बैट्समैन इज शिफ्टिंग गियर्स नाउ, आखिरी ओवर उनके स्पेल का, इंटरेस्टिंग टू सी। आराम से सिर नहीं घूमना चाहिए था, सो डिफिकल्ट टू प्ले दैट वन, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इंटरेस्टिंग चेंज, स्पिनर्स आर ऑलवेज, शमसी जी आए हैं, वेपन इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम, यानी स्पिनर आ चुके हैं तो थोड़ा लेट खेलना पड़ेगा हमें कुछ इस तरह से। इंडिया और कैच, जी हाँ, जो अच्छा खेल रहे थे यानी राहुल जी अच्छा खेल रहे थे वही पवेलियन पे जाते हुए। कोई नहीं क्योंकि नेक्स्ट बैट्समैन हमारा कोहली जी है जो फिलहाल फॉर्म ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हमने पिछले एपिसोड में कोहली को यूज करते हुए यानी बैटिंग करवाते हुए काफी अच्छा भी खेले थे। अच्छा शॉट, परफेक्ट शॉट, टाइमिंग भी सही और पहला गेंद ही छक्का। कोहली जी स्ट्राइक पे नहीं थे क्योंकि स्ट्राइक रोटेट हो चुका था। ये छक्का हिटमैन की तरफ से आया, 29 रन हो चुका है। टॉप स्पिन, थोड़ा स्पीड आएगा गेंद, फिर से कैच, सेम कैच, एब्सोल्युटली टेरिफिक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सूर्य कुमार यादव अब स्ट्राइक में है कोहली जी। Really impressed by the field set by the captain. Out, wicket out. फिर भी हम खेलेंगे छक्का। It's been hammered away. बोल के मारेंगे। Maximum. That made a cracking sound from the bat. स्पिनर आते हैं तो मतलब सब कुछ होता है हर गेंद पे, छक्का होता है, चौका होता है, लेकिन बीट बहुत कम होते हैं। The stadium is jam-packed and fans are cheering for their favorite team. देख रहे हो फिर से 6, 2 गेंदों पे 2 6, कोहली जी ऑन फायर और सारे खुश क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कोहली जी का फॉर्म आ चुका है। मोटा भैया जल्दी सिग्नल दे यार, उतना टाइम नहीं है, इतना स्टाइल देखेंगे बैठ बैठ के, आकाश चोपड़ा जी भी बोर हो जाएंगे। चलो इस बार स्ट्रेट कुछ इस तरह से, 3 गेंद पे 3 छक्का, फिर से खुश, बल्ले बल्ले कर दो, तो और कुछ ही रन बचा हुआ है मैच को जीतने के लिए, इसी ओवर में खत्म करने की कोशिश करेंगे।
ऑफ स्पिन है, तो इसी तरह से मारेंगे। सूर्य कुमार जी का भी पहले गेंद पे छक्के के साथ खाता खुलता हुआ। क्राउड के पास नहीं गया है आकाशवाणी जी। तीन फील्डर लेग साइड पे, तो हम थोड़ा हट के ऑफ साइड में उड़ाएंगे। कुछ ज़्यादा ही ऑफ साइड में हो गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं। और इस छक्के के साथ मैच खत्म। पैसा हजम, रोहित शर्मा और राहुल जी जाने के बाद तो मैच में सिर्फ छक्कों का बरसात ही हुआ था। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, दे गॉट जस्ट अबाउट एवरीथिंग राइट टुडे, अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैन ऑफ द मैच मिला है जसप्रीत बुमराह जी को। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ आकाश चोपड़ा जी का इंग्लिश कमेंट्री आप सबको कैसा लगा, 10 में से कितना रेटिंग देना पसंद करोगे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए आ चुके आने वाले इसी तरह से गेम प्ले एपिसोड देखना चाहते हो रियल क्रिकेट 22 गेम का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लोगो बटन को दबा के। और सुबह के वीडियोस को नहीं देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको बताया। अगर आप उन दो वीडियोस को देख लेते हो तो रियल क्रिकेट 22 गेम से रिलेटेड जितनी भी सारे आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइनेंस सबके साथ। तब तक के लिए गुड बाय।